गुड मॉर्निंग एवरी वन, होप यू ऑल आर गुड। सो टूडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 18, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको इस चैप्टर का कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम इसमें ब्लड से रिलेटेड सब कुछ पढ़ेंगे, जो भी हमारे ब्लड के वर्क होते हैं। बॉडी फ्लूइड है ना, तो बॉडी फ्लूइड्स में ब्लड भी तो एक इम्पॉर्टेंट है, तो ब्लड, लिम्फ, हम ये सब पढ़ेंगे इसमें साथ में। और बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन से मतलब क्या निकलेगा यहाँ पे, हमारी बॉडी में कैसे सर्कुलेट हो रही है बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स यानी कि ब्लड और लिम्फ कैसे सर्कुलेट होंगी थ्रू सर्कुलेटरी पाथवेज। इसको साथ में सर्कुलेटरी पाथवेज के और साथ में क्या हो सकता है, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी, साथ में डिसऑर्डर क्या होंगे हमारे इन सर्कुलेशन के, ये हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे इस चैप्टर को 3 लेक्चर में ख़त्म कर दें और 4th लेक्चर इसका खाली क्वेश्चन आंसर का हो NCERT। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ब्लड। ब्लड क्या है, मोस्ट कॉमनली बॉडी फ्लूइड है जो गैसेस एक्सचेंज करता है पूरी बॉडी का। लिम्फ, लिम्फ एक अनदर बॉडी फ्लूइड है जो ब्लड का गैसेज एक्सचेंज करता है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। आगे हम ब्लड को डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्लड स्पेशल कलेक्टिव टिश्यू है। इसके पास फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, यानी कि कुछ पदार्थ होते हैं फ्लूड लिक्विड टाइप में। प्लाज्मा और फॉर्म डिलीमेंट इसके पास कंसिस्ट करता है। अब हम इसमें प्लाज्मा और फॉर्म डिलीमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे इस लेक्चर में, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। प्लाज्मा जो है स्ट्रो कलर्ड यानी कि लाइट येलो कलर का होता है। ये 55% ऑफ द ब्लड एक्सिस्ट करते हैं। विस्कस फ्लूड है, गाढ़ा होता है, लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा नहीं होता। 90-92% प्लाज्मा में वाटर होता है और प्रोटीन 6-8% होते हैं। प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिनेज और एल्बुमिनेज होते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा कि प्लाज्मा जो है स्ट्रॉ कलर, थोड़ा येलो कलर का गाढ़ा फ्लूइड होता है, जिसमें 55% ब्लड का पार्ट ये प्लाज्मा है। उस 55 में 90-92% प्लाज्मा है और 6-8% उसमें प्रोटीन है। प्रोटीन 3 टाइप्स के हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिनेज और एल्बुमिनेज। बाकी आगे हम इसके वर्क पढ़ते हैं। फाइब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि जब ब्लड का थक्का जमाना होता है तो उसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन काम आता है। सेकंड है ग्लोबुलिनेज, प्राइमरी आर इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। इट मीन्स दैट जब हमारे ऊपर कोई बाहर से अटैक करता है, वो वाला अटैक नहीं जो युद्ध क्षेत्र में होता है, वो वाला जैसे कि हमारे हमें कोल्ड होता है, कोस होता है, तो जो भी इन्फेक्शन इनको करते हैं, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमें उससे बचाता है ग्लोबुलिनेज। और एल्बुमिनेज हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस यानी कि वाटर का बैलेंस मेंटेन करता है। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल। प्लाज्मा में प्रोटीन भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। मिनरल कौन कौन से, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एक्स्ट्रा। अब प्लाज्मा में हमने पढ़ा कि क्लॉटिंग फैक्टर होता है फाइब्रिनोजन, बट क्या हमारे अगर बॉडी में ये प्रोटीन है तो हमारा ब्लड जमता क्यों नहीं, क्वेश्चन ये अराइज होता है। वो इसलिए क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब हमारी बॉडी पे कोई खुरच आ जाए, जैसे हम खारिज करके खुरच देते हैं, या कोई चोट लग के छिल जाता है हमारा, कोई बॉडी की स्किन हमारी छिल जाती है और वहाँ से अगर खून आए, तो फाइब्रिनोजन जो है एक्टिव हो जाता है और वहाँ पे अपने हमारे वाइट ब्लड सेल भेजता है, ताकि वहाँ पे जो है उसका जाल बन जाए एक तरह से, ताकि हमारा जो ब्लड है ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये कोगुलेशन फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म में प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ये भी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। जो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसे हम सीरम कहते हैं। हमने 3 प्रोटीन्स पढ़ लिए प्लाज्मा के अंदर, इस यही पढ़ा कि इसके 55% में ब्लड होता है, 90-92% वाटर और 7-8% प्रोटीन। इसमें मिनरल्स भी होते हैं और ये इनएक्टिव फॉर्म में कोगुलेशन फैक्टर इसमें प्रेजेंट होता है, और जो विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा होता है उसको हम सीरम कहते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स आपने पढ़े होंगे मे भी पहले भी, रिथ्रोकाइट्स, ल्यूकोकाइट्स एंड प्लेटलेट्स। यूरिथ्रोकाइट्स होते हैं RBCs और ल्यूकोकाइट्स होते हैं WBCs। रिथ्रोकाइट, ल्यूकोकाइट और प्लेटलेट आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। ये तीनों मिलके जो है प्लेटलेट्स और RBC और WBC मिलके फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनाते हैं। दे कंस्टिट्यूट नीली 45% ऑफ द ब्लड। 55 प्लाज्मा ने कंटेन किया था और 45 जो फॉर्म्ड एलिमेंट कंटेन करता है ब्लड।
एरिथ्रोसाइट्स अब हम स्टार्ट करते हैं, और रेड ब्लड सेल्स जिसको कहते हैं मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल इन ब्लड, ये मोस्ट अबंडेंट है। हेल्दी एडल्ट मैन हैज़ एवरेज 5 million to 5.5 million ऑफ RBC। आप देख सकते हैं कि 5 से 5.5 million अगर हैं RBC तो कितने अबंडेंट हैं हमारी बॉडी में। सबसे ज़्यादा RBC आर फाउंड इन रेड बोन मैरो, ये बोन मैरो में हमारे बनते हैं इन एडल्ट्स, यानी कि जब हम बड़े होते हैं। RBC आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, क्यों होते हैं इसका आंसर आप लोग लाएंगे, वाई RBCs आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। ओके, इन मोस्ट ऑफ द मैमल एंड आर बायकनकेव इन शेप, RBCs मैमल्स में डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस हैं और बायकनकेव इन शेप, यानी कि एक खीरी कनकेव और एक खीरी कनकेव, ये बन गई बायकनकेव। दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ये रेड होते हैं कलर में बिकॉज इनके पास आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हैंस द कलर नेम ऑफ दिस सेल, इसलिए इसका नाम रेड, इसका कलर सॉरी रेड है और नाम इसका हीमोग्लोबिन। अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 grams ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, हमारी बॉडी में 12 to 16 grams हीमोग्लोबिन होना ही होना चाहिए। ये ब्लड नहीं होता, जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं हमें हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बताते हैं वो लोग। ब्लड हमारी बॉडी में 5 million to 5.5 million होता है, मिलीलीटर होता है या लीटर होता है। दूस मॉलिक्यूल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, RBC हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 days, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइफ स्पैन ऑफ RBC 120 days। एंड दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, स्प्लीन जो है पैनक्रीज का पार्ट है, वहाँ पे जाके हमारे RBCs जो डिस्ट्रॉय होते हैं। ये RBCs का हो गया। अब आता है ल्यूकोकाइट्स, यानी कि WBCs। ल्यूकोकाइट्स आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, इनके पास कोई प्रोटीन नहीं होता जिससे इनके जो WBC है कंबाइन होकर कोई कलर दे, इसलिए ये कलरलेस होते हैं। इनके पास न्यूक्लियस होता है, अब इनके पास क्यों होता है वो आपको जब आप सर्च करेंगे कि RBCs का न्यूक्लियस क्यों नहीं है पता लग जाएगा। अगर नहीं पता लगे तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेज 6,000 to 8,000 mm³ ऑफ ब्लड, ये नंबर में भी कम है। ल्यूकोकाइट आर जनरली शॉर्ट लिव, ये 120 days तक नहीं जीते, उससे काफ़ी कम ही जीते हैं, वो हमें इसमें NCERT में एक्सप्लेन नहीं है, वो आप सर्च कर सकते हैं। वी हैव टू मेन कैटेगरी ऑफ WBC, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट, इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको वो दिखा रखा है एक, अब देख सकते हैं ल्यूकोकाइट्स ग्रैन्युलोसाइट्स ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स 3 types, न्यूट्रोफिल बेसोफिल इजनोफिल्स, और ए ग्रैन्युलोसाइट लिम्फोकाइट और मोनोकाइट होते हैं। लिम्फोकाइट्स 2 types के हैं, बी और टी। बी जो फीमर में मैच्योर होते हैं, फीमर यानी कि हमारी वो जांघ की हड्डी। टी थाइमस में, थाइमस ग्लैंड हमारे हार्ट से हार्ट के पास होता है। टी भी 2 types के होते हैं, TH और TC। TH यानी कि हाइपर, TC यानी कि साइटोटॉक्सिक, जो नुकसानदायक होते हैं। यहाँ पे आपको यही बता रखा होगा न्यूट्रोफिल्स जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा हैं ग्रैन्युलोसाइट्स में, इनकी परसेंटेज ज़्यादा है, मोस्ट अबंडेंट ये हैं वाइट ब्लड सेल में। बाकी इनकी आपको फीचर्स दे रखे होंगे। और न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स जो 68% है, ये फैगोसिटिक है, यानी कि जब हमारी फॉरेन ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है ये उसके अगेंस्ट लड़ते हैं। और जो बेसोफिल है वो हमारे कई प्रोटीन रिलीज करता है, हिस्टामिन सेरोटिन हेपरिन, जो हमारे एलर्जिक रिएक्शन को इन्फेक्ट करता है, उनको आगे बढ़ने से रोकता है। ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, आप देख सकते हैं। लिम्फोकाइट बी फीमर में मैच्योर होते हैं, जो लिम्फोकाइट टी है वो थाइमस में मैच्योर होते हैं। T2 types के हैं, TH और TC। TH टी हाइपर, TC साइटोटॉक्सिक। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास प्लेटलेट्स, ये थ्रोम्बोकाइट्स भी कहते हैं। ये हमारे मेगा कैरियोट्स सेल होते हैं, बोन मैरो में पैदा होते हैं। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स होती है हमारे में। कई लोग इसे प्लेटे कहते हैं, हमने सुना था ना डेंगू में प्लेटे गिर गई, प्लेटे नहीं होती, वो प्लेटलेट्स होती है, आपको उनको बताना चाहिए। प्लेटलेट कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन और क्लॉटिंग ब्लड। प्लेटलेट्स तब रिलीज होती है जब कोगुलेशन या क्लॉटिंग होनी होगी, ये हम आगे पढ़ेंगे हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से पहले कोगुलेशन ऑफ ब्लड में।
A reduction in their number can lead to clotting disorder, which will lead to excessive loss of blood from the body. ये हमारा प्लेटलेट्स का टॉपिक हो गया कि अगर ये कम हो जाएंगी तो हमारा खून का थक्कर नहीं जम पाएगा. ये हमारे प्लेटलेट्स के भी वर्क हो गए. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट आगे हम ब्लड ग्रुप्स, कोगुलेशन ऑफ ब्लड और लिम्फ और सर्कुलेटरी पाथवे नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे. ओके, ये तो बस इंट्रोडक्शन का था. आगे आपको लगातार वीडियोज़ मिल जाएंगे इस लेक्चर की. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.